गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास 4 की कंप्यूटर की क्लास है। आपको क्या कर रहे थे याद है ना? क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 से। जो भी आप लोग का वर्क था उसको आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग का जो काम है अटेंडेंस का वो आप लोग अपना बना लीजिए। और किसी भी चैप्टर में जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें दिक्कत हो या क्वेश्चन आंसर में दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और आपको अगले दिन जवाब मिल जाएगा। तो आप लोग का जो होमवर्क था एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर जो बच्चे बना लिए हैं बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं बनाए हैं आज वो ऊपर से देख के बना लेंगे और जो बना चुके हैं ऑलरेडी वो मैच कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। पेज नंबर आपका 26 चैप्टर 3 और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सी नंबर क्वेश्चन। और सी का फर्स्ट हम लोग फाइल और फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं।
पहले आप यही एक लाइन नोट कीजिए और नेक्स्ट लाइन्स हम लोग अभी करेंगे। तो पहले आप ये कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन करेंगे, ठीक है? चलिए तो नेक्स्ट लाइन्स आप लोग इससे नोट कर लीजिए और लास्ट में एक लाइन नोट कर लीजिएगा, न्यू फोल्डर इज क्रिएटेड, है ना? ये लाइन आप लोग जोड़ लीजिएगा, और न्यू फोल्डर इज क्रिएटेड। पेज नंबर मैं बता दूँ आप लोग को 24 में है, और आपको सोचना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लिख लेना है अ न्यू फोल्डर इज क्रिएटेड। ओके चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी है, ये फर्स्ट ही है, फाइनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है? चलिए
तो क्वेश्चन नंबर टू भी आपका कंप्लीट है। पूछा जा रहा था कि अगर सौरभ जो है एक नया प्रोजेक्ट बनाता है और फाइल एक फोल्डर बनाता है, प्रोजेक्ट जिसमें डाल रहा है उसमें एक फोल्डर है और उस फोल्डर का नेम बदलना चाहता है, पहले जो कुछ भी उसने रखा था उसको अब चेंज करना चाहता है, तो फोल्डर या फाइल का नेम हम लोग कैसे चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है वी राइट क्लिक ऑन द फोल्डर विच वी वॉन्ट टू रीनेम। तो जिस फाइल और फोल्डर का हम नाम बदलना चाहते हैं उस पर राइट बटन क्लिक करेंगे। ओके, उस पर जैसे ही राइट बटन क्लिक कीजिएगा तो क्या आएगा, अ शॉर्टकट मेनू अपीयर्स, एक शॉर्टकट मेनू यानी लिस्ट एक अपीयर होगा, उसमें एक ऑप्शन रहेगा वी सेलेक्ट रीनेम ऑप्शन, उसमें हम लोग कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, रीनेम एंड चेंज द फोल्डर नेम, और उसके बाद क्या होगा वहाँ पर का नेम जो है हाईलाइटेड होगा, जो भी नाम पहले से ऐड होगा वहाँ से हम लोग चेंज कर लेंगे फोल्डर का नाम। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आइए अब पेज नंबर 27 में एक क्वेश्चन इसका भी हम लोग कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ डेस्कटॉप, एक दो लाइन का ये आंसर होगा। तो इसको इरेज करके हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग डेस्कटॉप का डेफिनेशन देख चुके हैं कि डेस्कटॉप क्या होता है, बहुत ही ईजी है आंसर, और इसको अच्छे से आप लोग नोट कीजिएगा। आज जो भी क्वेश्चन आंसर हुआ उसमें आप लोग को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो जहाँ पे अटेंडेंस बनाते हैं वहाँ पे जाके पूछ लीजिएगा। आज के लिए